आखिरी समय पर कुछ भी नहीं बचा और काम कौन आया? अच्छे दोस्त। इसीलिए हमारे सर कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। इससे यही नसीहत मिलती है कि हमें अपनों से तो प्यार करना ही है, लेकिन अच्छे दोस्तों से ज्यादा प्यार करना है। अंत समय में वही काम आते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शुक्रिया सभी का। तो आज हमारे यहाँ पे माता जी का भंडारा भी है, प्लस हमारे यहाँ पे SD प्रोडक्शन जो है मिस्टर चरण मूवी का भी उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन हो चुका है लेकिन आज मूवी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है जी। तो आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिएगा हमें, ठीक है ना। मैं आप सभी शांति बनाए रखें। आप चरण जी के करेक्टर में मानव सेवा हमारे, हम फिल्म के जरिए एक मानव सेवा कर रहे हैं। जैसे ये फिल्म बनने के बाद हमारी हेमलता डोगरा मैम, इनका बहुत बड़ा हमारे नोएडा वेस्ट के मिस्टर विनोद जी, तो उन सब लोगों के सहयोग के बिना ये फिल्म संभव नहीं थी। पहली बार सर चरण जी के दोस्त का किरदार अपना भाई निभा रहा हूँ, कजन का रोल अपना निभा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है कि मैं एक अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़ रहा हूँ और एक अच्छे कॉज के साथ समाज के सामने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। धन्यवाद। फिल्म में जो गाना है वो मैंने लिखा है, मतलब पूरी कोशिश करी है। जैसे सर ने मेरे को बताई जो कहानी फिल्म की थी, तो इस गाने में जितनी हम जान डाल सके, उस कहानी से जितना भी रिलेटेड हो सके, उस कहानी को जितनी उस कहानी के अंदर जो गाना हमारा गाना है वो हमारा कहानी के आसपास ही घूम रहा है। इससे पहले भी कोई गाना लिखा है? हाँ जी, मैंने गाने अभी मेरे 4 गाने आए हैं। तो अभी मेरा ये फिल्म का पहला गाना है, पहली बार आया मेरे साथ। आप पूरा गाना ही फेवरेट है मेरा, तो क्योंकि आप जब फिल्म आएगी आप सुनेंगे, आपको कोशिश करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा गाना ये। मैंने बस गाना लिखा और मैंने धूम तैयार करी इस गाने की। मेरे दोस्त हैं मिस्टर चरणजीत थे, बहुत मुश्किल से मतलब उन्होंने अपने दिन को, लास्ट वाले दिन को जिया था। उनको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस हालात में उन्होंने हमें मिले थे सफदरजंग अस्पताल में, मतलब क्या बताएं, पोटी के साथ में मिले थे मुझे, जैसे तैसे हमने उनको सही किया और लास्ट मोमेंट पे मतलब वो जिंदा दिल इंसान थे, इसलिए इस मूवी में उस जिंदा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बंदे की नहीं, सिर्फ ये हमारे पूरे समाज और एक सब लोगों की कहानी है। उस कहानी को जितना अच्छी तरह लोगों तक पहुंच जाए, वो लास्ट में जो क्या काम आता है, वो कैसे आता है, इसकी शूटिंग अभी इसकी शूटिंग की जाएगी। पहला गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड से शुरू किया जाएगा इसको। और लास्ट का सीन शायद हमारा उकी मठ का ही है। लास्ट का सीन हम उकी मठ का दिखाएंगे, एक छोटा हॉस्पिटल भी है। इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि फिल्म हम 7 तारीख से शुरू कर देंगे और हमारी लोकेशन जैसा मैंने बताया, उखी मठ, ऋषिकेश, देहरादून और गुड़गांव और दिल्ली नोएडा होगी। और हमारी फिल्म का उद्देश्य जैसे हमने बता ही दिया है कि एक उद्देश्यपूर्ण मूवी है और साथ ही साथ मनोरंजन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दो सहयोगी कलाकार और हमारे प्रोड्यूसर हमारे दिलीप साहब और हमारी हेमा डोगरा मैम का और अपने विनोद जी का भी। थैंक यू। और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही माध्यम बनते हैं कि जो एक अच्छी चीज को अच्छी तरह से मीडिया आम पब्लिक तक पहुंचाएगा। थैंक यू आप सभी का।